शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। जाहिर सी बात है कि कल से राजस्थान की खबर सुर्खियों में है। 10 जनपद पर सोनिया के आवास पर इस वक्त बड़ी बैठक होगी। थोड़ी देर में सोनिया गांधी से कमलनाथ भी मिलेंगे, केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे, अजय माकन और खड़गे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। राजस्थान के मौजूदा सियासी संकट से निपटने की कोशिश चल रही है, जयपुर में नहीं बल्कि 10 जनपद दिल्ली में है। अब यह माना जा रहा है कि राजस्थान का यह मामला दिल्ली से ही सुलझेगा, लेकिन सुलझेगा तब जब अशोक गहलोत और अशोक गहलोत खेमे के विधायक मानने को तैयार हों। तब पार्टी आला कमान ने अशोक गहलोत को कहा था कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़िए, वो तैयार हो गए, लेकिन सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो कह रहे थे कि अध्यक्ष चुने जाने के बाद, नतीजों के बाद मैं रिजाइन करूंगा, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने कहा कि आपको पहले इस्तीफा देना होगा। यहीं से पूरा खेल शुरू हुआ और अब अशोक गहलोत खेमे के विधायकों ने कांग्रेस आला कमान को, हाईकमान को एक बड़े दबाव में डाल दिया है। पर्यवेक्षक को भेजा गया लेकिन वो खाली हाथ वापस लौटे हैं एक रिपोर्ट के साथ। खबर यह भी आई कि अनुशासनहीनता को लेकर कुछ विधायकों के खिलाफ और कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बड़े नेता तो अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत या खाचरीवास, इनके खिलाफ कार्रवाई इस वक्त कांग्रेस आलाकमान करने की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी दो राज्य गंवा चुकी है, पंजाब और एमपी। अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही कांग्रेस के सामने है। सियासत की दो तस्वीरें भी अब इस बीच आप देख लीजिए। एक तरफ कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो फुटबॉल खेल रहे हैं। एक तरफ सिर्फ फुटबॉल पार्टी के अंदर राजस्थान में, दूसरी तरफ फुटबॉल के साथ केरल में राहुल गांधी की तस्वीर। पदयात्रा चल रही है, बच्चे हैं जो आपको दिख रहे होंगे हाथ में फुटबॉल लिए हुए और उनके साथ राहुल गांधी फुटबॉल के साथ नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर बीजेपी भी तंज कर रही है कि भारत जोड़ने से पहले आप अपनी पार्टी को और अपने नेताओं को जोड़ दीजिए। इसी खबर पर शिवम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवम, अब जयपुर से नहीं सब कुछ तय होगा दिल्ली से, लेकिन दिल्ली से भी तब तय होगा जब अशोक गहलोत को मना लिया जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि अशोक गहलोत मानेंगे? मानना होता तो पहले मान चुके होते। देखिए, बिल्कुल, अशोक गहलोत ने हालांकि जाते जाते मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, अपनी बात को उनके सामने रखा ताकि जब वो कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपे तो उसमें उनका तर्क भी आ जाए। फिलहाल अशोक गहलोत खेमा है जो वो झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें बखूबी से इस बात की जानकारी है, अंदाजा है कि जो संख्या बल है वो उनके हाथ में है और अभी पार्टी चाहते हुए हमारा कुछ ऐसा खास बिगाड़ नहीं सकती है। दूसरी बड़ी बात यह कि अब से कुछ देर बाद 10 जनपद पर एक बड़ी बैठक होनी है जिसमें दोनों पर्यवेक्षक यानी कि अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव केरल में पदयात्रा में शामिल थे, उनको अचानक तो बुलाया गया है। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो उनको भी बुलाया गया है, और इसके अलावा कमलनाथ भी अब से कुछ देर में यहाँ पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से हलचले बहुत तेज हैं। देखने वाली बात यह होगी कि दोनों नजरें गड़ा कर रखिएगा शिवम, लेकिन ऐसे में लेकिन ये जो तस्वीर अभी हमने दिखाई कि एक तरफ राजस्थान में पार्टी के अंदर सिर्फ फुटबॉल और दूसरी तरफ फुटबॉल के साथ राहुल गांधी, बीजेपी भी तंज कर रही है। शायद इस वक्त कांग्रेस के अंदर भी यह चर्चा चल रही होगी कि इस वक्त राहुल गांधी अगर दिल्ली में होते तो स्थिति बेहतर होती। देखिए, बिल्कुल, राहुल गांधी बीते दिन पूरी पदयात्रा के दौरान अपडेट लेते रहे। उन्होंने ही संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को दिल्ली भेजा और कहा कि आप इस समय पार्टी के में जो अंदरूनी खींचतान चल रही है उसको संभालिए, और कहा यह जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार वो जुड़ रहे हैं। आप विजुअल में मैं आपको ताजा घटनाक्रम दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो कमलनाथ हैं वो पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आप देखेंगे इन तस्वीरों में। तो धीरे धीरे 10 जनपद पर केसी वेणुगोपाल की एंट्री शायद इसलिए कराई गई है कि पिछली बार 2018 में जब राजस्थान में नतीजे आए थे चुनाव के, उस वक्त भी ये दो खेमे बन गए थे, और 2020 में जो रूसा रूसी चल रही थी, रूठना मनाने का सिलसिला चल रहा था, उसमें भी केसी वेणुगोपाल ने एक अहम रोल निभाया था। शायद इसलिए केसी वेणुगोपाल की एंट्री करवाई गई है।
देखिए बीते दिनों से प्रत्युष मैं आपको बता दूं, बीते 3 साल से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का पद बहुत बढ़ गया है। उनका कद लगातार हर ट्रबल में उनको बुलाया जाता है और वो सबसे संपर्क करते हैं। दूसरी बड़ी बात, केसी वेणुगोपाल के संबंध आप ये कहें पायलट से और गहलोत दोनों से अच्छे हैं। इस समय वो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, मैं ऐसे में उनकी एंट्री कराएगी और राहुल गांधी यहां है नहीं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के हाथ में कमान है, कितना भी वो जुड़े लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में पूरे दिन चलते हैं, उसके बाद चिंतन करना। तो सोनिया गांधी के सहयोग के लिए केसी वेणुगोपाल को भेजा गया है। आज पार्टी की कोशिश रही कैसे डैमेज को कंट्रोल किया जाए, अशोक गहलोत के खेमे पर कार्रवाई करने का मतलब है। ये मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है, ठीक है, आप बने रहिएगा शिवम हमारे साथ। और इसी बीच जो बड़ी खबर मिली है वो ये कांग्रेस सूत्रों के हवाले से, इस वक्त की बड़ी खबर, इस पूरे सियासी घटनाक्रम में बताया ये जा रहा है कि कई नेताओं पर भी गाज गिर सकती है, कई नेताओं पर अनुशासनहीनता का डंडा चल सकता है। अजय माकन ने भी समांतर बैठक को अनुशासनहीनता माना, बैठक लीड करने वाले 3 बड़े नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आत्मिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई होगी। हम लोग इंतजार करते रहे, वो लोग नहीं आए और अब हम वापस खड़गे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग सौंपेंगे। और देखिए इन सबके बीच लगातार राजस्थान में भी हलचल बहुत तेज है और राजस्थान के मंत्री धारीवाल का एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि गहलोत के पास 2 पद नहीं है। इस वीडियो में धारीवाल साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, वो आगे कह रहे हैं कि जब अध्यक्ष बनेंगे तभी इस्तीफा देंगे, पार्टी के खिलाफ हो रहा है बड़ा षड्यंत्र, अभी भी संभले नहीं तो फिर पंजाब जैसी हालत हो जाएगी। बता दें कि गहलोत गुट के विधायक हैं शांति धारीवाल और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जिन बातों को वो जाहिर कर रहे हैं असल में ये समझ आ रहा है कि पूरे विवाद और पूरे इस वक्त गहमा गहमी की वजह वही है। जिस प्रकार से वो प्रस्ताव पास करवाया जा रहा था, जो तरीका अपनाया जा रहा था, उसमें सीधा सीधा अंकित ये था कि उन लोगों को जो है कुर्सी पे बिठाया जाएगा जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की थी, जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए हर संभव प्रयत्न किया था, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के किया था। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आप किसी को भी बना दो, वो जो 102 आदमी थे जो फेयरमाउंट में मौजूद थे और वही आदमी जो है आपके जैसलमेर के होटल में मौजूद थे, आप उनमें से बनाओ। ये बिल्कुल गलत बात है कि साहब अशोक जी गहलोत ने सीपी जोशी साहब का नाम लिया हो, सीपी जोशी साहब ने बिल्कुल देखिए हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम का रुख कर लेते हैं, देखिए जिस तरीके से धारीवाल शिवम बातें कह रहे हैं, जिस तरीके से उनके बयान सामने आए उससे तो साफ है कि ये गुट मानने वाला नहीं है और ये गुट ये भी चाहता है कि गहलोत ही अगर अध्यक्ष बनते हैं तो कमान राजस्थान की बैकफुट पे भी उन्हीं के हाथ में रहे। बिल्कुल, शांति धारीवाल का जो बयान आया है, जो वीडियो है, वो ये इस बात की पुष्टि करता है कि अशोक गहलोत खेमा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि सीएम पद भी हाथ से चला जाए और अध्यक्ष के चुनाव में भी उनके साथ खेल हो जाए, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ किया गया था, वो बैठे रहे और वो दोनों पदों से हाथ को बैठे थे, ऐसे में उनका खेमा बिल्कुल डिगना नहीं चाहता है। और सबसे बड़ी बात इस दौरान ये रही है कि कल जब 92 विधायकों ने इस्तीफा दिया था उससे कांग्रेस पार्टी को एक सीधा संदेश दिया गया कि अशोक गहलोत ही विकल्प है, अगर उनसे यहां पर हटाया जाता है तो पार्टी राजस्थान में भी राज्य सरकार खो देगी और एग्जाम्पल पंजाब का दिया गया। फिलहाल बहुत तर्क दिए जा रहे हैं कि पार्टी जो अनुशासन के रूप में कईयों पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कार्रवाई की गई तो बचेगा कौन? 103 एमएलए हैं राजस्थान में, 92 लोगों पर अगर कार्रवाई होती है, सबसे बड़ा पेच है कांग्रेस आला कमान के सामने की कार्रवाई अगर करे तो बचेगा कौन। हमारे साथ जुड़े रहिए शिवम, इस वक्त एक बड़ी खबर है, मिशन गुजरात पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में अमित शाह का रोड शो चल रहा है, किसानों का पानी का लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है यह अमित शाह ने कहा है। कांग्रेसियों ने नर्मदा प्रोजेक्ट रोक रखा था लेकिन अब वो रोक नहीं है, ये अमित शाह ने कहा है। आज अमित शाह ने एक बड़ा रोड शो भी किया है अहमदाबाद में, सबको बताया कि अब गुजरात में चुनाव इसी साल के अंत में होने वाले हैं, उससे पहले सभी पॉलिटिकल पार्टियों का दौरा गुजरात में शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में रोड शो और अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए। और यहां पर
वो बता रहे हैं कि कांग्रेसियों ने नर्मदा प्रोजेक्ट को रोक रखा था, लेकिन हमारी सरकार ने उसको आगे बढ़ाया है। अब वो ये कह रहे हैं कि अब यहां पर लोगों को पानी की दिक्कत यहां नहीं होगी। और ये देखिए रोड शो के दौरान वहां पर कुछ कलरफुल तस्वीरें भी देखने को मिली गुजरात की। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज अहमदाबाद में अमित शाह का दौरा था, अमित शाह पहुंचे। और खास बात ये भी कि एक तरफ जयपुर में राजस्थान में किस तरीके से सरकार बचाने की और कवायद चल रही है एक आपसी गुटों को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ लगातार मिशन गुजरात में लग गई है बीजेपी। और अभी अमित शाह का ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा वार किया और कहा कि देखिए कई बड़ी परियोजनाओं को रोकने में लगातार कांग्रेस का हाथ रहा है। अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी हितेन जुड़ चुके हैं। हितेन, मिशन गुजरात पर गृह मंत्री अमित शाह, कौन कौन से कार्यक्रम, रोड शो भी आज रहा, क्या जानकारी है, किस तरीके का माहौल देखने को मिला? देखिए सुबह 8:30 बजे से ही अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मिशन गुजरात पर उतर पड़े हैं। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कई विकास के कार्यों की उन्होंने शिलान्यास आज किए। तो कहीं आज APMC जब पहुंचे यहाँ पर बावला में, अपनी खुद की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का ये उनके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का ये विस्तार है, यहाँ जब पहुँचे थे तो सीधे तौर पर किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ये पोस्टर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाए, सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते तो वो नर्मदा योजना कभी शुरू नहीं होती। कई वर्षों से कांग्रेस ने जो है वो नर्मदा योजना रोक रखी थी, आज उसी नर्मदा योजना की वजह से जगह जगह कैनाल पहुंचा है और जगह जगह किसानों को पानी की जो दिक्कत थी वो सॉल्व हो रही है। हालांकि ये उन्हीं की खुद की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बावला नगर पालिका जो है वो आती है, यहाँ पर 25,000 हेक्टेयर। तो मिशन गुजरात पर देखिए हितेन, आप जानकारी दे रहे हैं कि पूरी तरह से बीजेपी जुट चुकी है और खास फोकस भी नजर आ रहा है कि किसानों को लेकर के, किसानों को देखते हुए आगे बढ़ रही है। आप नजर बनाइएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। और चलिए इस बीच रूस से आ रही इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर रूस के एक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग की खबर है और फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। मरने वालों में 7 स्कूली मासूम बच्चे भी हैं। और जिसने ये फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की घटना को जिस शख्स ने अंजाम दिया, हमलावर ने भी खुद को बाद में गोली मार ली। अमूमन अमेरिका से ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं, गन कल्चर को लेकर के वहां पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन हाल फिलहाल के सालों में रूस से ऐसी कोई खबर आपने नहीं देखी होगी। लेकिन रूस के एक स्कूल में देखिए किस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की गई, एक शख्स ने अंधाधुंध बच्चों पर ही फायरिंग कर दी। और आपको बता दें कि इसमें एक गार्ड समेत तकरीबन 7 बच्चे उनकी मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 7 स्कूली बच्चे हैं। हालांकि अगर मरने वालों का आंकड़ा देखा जाए तो कुल मिलाकर के 13 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि केरल में हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां केरल के कोंजीकुंड में सड़क पर उतरे हैं लोग। और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब केरल में भी हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। केरल से लगातार तस्वीरें ऐसी आ रही है जिसमें हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कोंजीकुंड में ये प्रदर्शन किया गया जहां पर सड़कों पर उतरे लोग, और देखिए लोगों को रोकती हुई केरल की पुलिस लगातार उनको पीछे धकेल रही है। हालांकि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई, कई जगहों पर शक्ति का इस्तेमाल भी करना चाहिए, बल का प्रयोग भी करना पड़ा। और देखिए प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलती हुई पुलिस और लगातार कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया, डिटेन किया गया। और ये तस्वीरें केरल की है जहां पर हिजाब को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन किया गया, अलग अलग जगहों में केरल के ये प्रदर्शन किया गया। और माना जा रहा है कि देखिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में कई जगहों पर ये हिंसक या फिर आप कह सकते हैं झड़प भी हुई, जहां पर पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया और जो प्रदर्शनकारी थे उनको डिटेन भी किया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ जहां पर ये प्रदर्शन करते हुए लगातार हाथों में बैनर लिए प्रदर्शनकारी, और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में लेते हुए। चलिए इसी के साथ 4 की बात में फिलहाल इतना ही, जाते जाते आपको दिखाते हैं टॉप 10।